हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डी यूनिक कैफ़े में, जिसका नाम हमने डी यूनिक कैफ़े से डॉग यूनिक कैफ़े कर दिया है। और आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, ताकि आपको जैसे भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम बात करेंगे डॉग या पपी की डीवर्मिंग कैसे करवाएँ, क्यों करवाएँ और कब करवाएँ। सबसे पहले अपने बात करते हैं कि डीवर्मिंग, अगर डॉग को डीवर्मिंग नहीं हो है सही समय पे, तो उसको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। डीवर्मिंग नहीं होने से एक तो आपका डॉग कमज़ोर दिखेगा, वो खाना पीना भी कम कर देगा, थोड़ा सुस्त रहेगा, आंखों से गंदगी या गीड आना, कई बार डॉग है कचरे में मुंह मारना, मिट्टी चाटना, तो ये करने लग जाता है। और आपके डॉग का इम्यून सिस्टम भी काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके डॉग की ग्रोथ भी कम हो जाती है, ग्रोथ उसकी रुकने लग जाती है। इन सब का जो मुख्य कारण है वो है उसके पेट में कीड़े होना, आपके डॉग या पपी के पेट में कीड़े हैं हाँ होना। ये जो वम्स हैं पेट में, ये कई प्रकार के होते हैं, हुक वम्स होते हैं, राउंड वम्स होते हैं, टेप वम्स होते हैं ETC, और जिनकी वजह से आपके डॉग को परेशानी उठानी पड़ती है, जो कि पोटी के रास्ते से बाहर निकलते हैं, जिनको आप देख भी सकते हो। आज हम बात करेंगे कि डॉग की डीवर्मिंग कब कब और किस किस डोज के हिसाब से करवाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे ही आपका पपी वो 2 वीक ये 14 दिन का हो जाए, 14-15 दिन का हो जाए, तो फर्स्ट उसकी डीवर्मिंग करवाएं। फिर उसके बाद वो 4 वीक का हो जाए, 1 मंथ का हो जाए, तो उसकी सेकंड डीवर्मिंग करवाएं। उसके बाद वो 6 वीक का हो जाए, तो उसके बाद में 6 वीक का होने के बाद में 45 डेज के आसपास, तो उसकी आप थर्ड डीवर्मिंग कराएँ। 8 वीक 2 मंथ के आसपास उसकी आप चौथी डीवर्मिंग करवाएं। फिर वो जैसे ही वो 3 महीने का होता है, तो फिर उसकी नेक्स्ट डीवर्मिंग करवाएं। फिर 4th महीने पे फिर नेक्स्ट करवाएं। फिर 5वें महीने पे फिर उसकी नेक्स्ट डीवर्मिंग करवाएं। 6th महीने पे आप उसको फिर नेक्स्ट डीवर्मिंग करवाएं। इसके बाद में आप इसको मंथली नहीं देंगे आप इसको डीवर्मर, आप इसको 3 महीने के बाद में इसको आप रिपीट करेंगे। आप इसको 5 या 6 साल तक इसको डॉग को 3 महीने बाद रिपीट करेंगे, उसके बाद में आप कम कर सकते हैं उसको, 6 महीने या 5 महीने के बाद भी आप रिपीट कर सकते हैं। खास बात ध्यान देने योग्य यही है कि आप जैसे ही आपका डॉग 6 मंथ का हो गया, जो लास्ट आपने डीवर्मिंग करवा दी है 6 मंथ पे, उसके बाद आप 3 मंथ पे एक बार ही डीवर्मिंग करवाएंगे आपके डॉग को। इस शेड्यूल के हिसाब से आप अपने डॉग को डीवर्मिंग करवा सकते हैं। आप अपने डॉग को 3 मंथ की एज तक लिक्विड फॉर्म में ही डीवर्मिंग करवाएं, और इसके बाद में आप टेबलेट फॉर्म में डीवर्मिंग करवा सकते हैं। पपीज़ के लिए जैसे डोरेंटल प्लस आती है, हाई लिक्विड फॉर्म में होती है डीवर्मिंग, जो 1 ml पर kg बॉडी वेट पे दे सकते हैं, या बेंडिस्टर प्लस नाम और अन्य भी मार्केट में इस तरह के डीवर्मर आते हैं। और लार्ज एनिमल के लिए है, जैसे इजी पेट आता है 10 kg बॉडी वेट, 1 tablet 10 kg है बॉडी वेट, और बेंडिस्टार प्लस भी आती है, आयरोमेक्टिन भी आते हैं, और अन्य कंपनियां का भी इनके डीवर्मिंग काफ़ी आते हैं। कई बार ओनर के दिमाग में ये रहता है कि मैंने मेरे डॉग को डीवर्मिंग तो करवा दी, पपी को डीवर्मिंग तो करवा दी, पर उसके दस्त नहीं लगे। उनके माइंड में रहता है कि दस्त लगने ज़रूरी है, दस्त लगेंगे तो ही डीवर्मिंग सफल होगी। ये सब भ्रांतियाँ हैं, दस्त लगने कोई ज़रूरी नहीं है। आपके डॉग का अगर इम्यून सिस्टम सही है तो आपके डॉग को दस्त नहीं लगेंगे। ये सब इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है। आपके डॉग का इम्यून सिस्टम डाउन है तो उसको दस्त लग जाएंगे, तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। इम्यून सिस्टम अगर उसका स्ट्रॉन्ग है तो आपके डॉग को दस्त नहीं लगेंगे, तो भी आपकी डॉग की डीवर्मिंग हो चुकी है। हाँ, ये हाँ एक तरह से भ्रांति फैला रखी है। कई बार डॉग को डीवर्मिंग करवाने के कुछ घंटों बाद डॉग उल्टी कर देता है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो अगर डॉग तुरंत उल्टी करता है तो फिर तो आपकी डीवर्मिंग सफल नहीं हुई है, या 5-6 घंटे बाद उल्टी करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी डीवर्मिंग हो चुकी है। डॉग को डीवर्मिंग सुबह के समय खाली पेट देवें, नहीं तो आजकल बाज़ार में बहुत से कंपनीज़ के डीवर्मर आ रहे हैं, जो आप उनको आप कभी भी दे सकते हैं, चाहे वो खाना खाए हुए हों। और एक विशेष बात है जो ध्यान देने योग्य है, कभी भी बिना किसी वेटनेरियन की सलाह के अपने डॉग को डीवर्मिंग न करवाएं। कभी कभी ओनर ओवरडोज डीवर अपने डॉग या पपी को
ओवरडोज डिवर्मिंग करवा देता है, जिससे उसको नुकसान उठाना पड़ता है, जिसकी वीडियो हम एक पहले डाल चुके हैं ओवरडोज डिवर्मिंग साइड इफ़ेक्ट के नाम से। अब हम बात करेंगे डिवर्मिंग के लाभ भी। आप अपने डॉग को डिवर्मिंग करवा रहे हो तो उसका क्या बेनिफिट है, मैं ज़्यादा डीपली नहीं बात करूँगा इस पर। तो इसके मोटे मोटे तीन चार अब जो देखने को मिलते हैं वो है कि अगर आप सही समय पर आपके डॉग को डिवर्मिंग करवा रहे हैं तो एक तो आपके डॉग की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल सही प्रकार से होगी, उसकी ग्रोथ नहीं रुकेगी। कई बार डिवर्मिंग नहीं करवाते हैं, उसकी ग्रोथ कम हो जाती है, तो ये आपके डॉग की ग्रोथ बिल्कुल सही प्रकार से होगी। दूसरा, आपका डॉग कमज़ोर नहीं होगा, उसको कमज़ोरी महसूस नहीं होगी बिल्कुल भी। और तीसरा जो है, डॉग जो गंदी वस्तुओं में मुंह मारता है, जो जैसे मिट्टी खाना या कचरा खाना ऐसे, तो वो नहीं करेगा। जो चौथा जो है कि आपके डॉग के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होगा, उसमें रोगों के प्रति लड़ने की जो क्षमता है वो उसमें बढ़ जाएगी। और पांचवा जो है, आपका डॉग हमेशा एक्टिव रहेगा। तो आगे भी आप ढेर सारी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे सब्सक्राइबर कम हैं तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद। We'll be right back.